अमृतपाल सिंह नूं पंजाब पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने उसनूं मोगा दे गुरुद्वारे तो गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब पुलिस ने पहले ट्वीट करके दी थी, उस तो बाद पंजाब पुलिस के आई जी डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने मीडिया नाल भी गलबात करके दसिया कि अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लग्या होया है, इसलिए पुलिस ने उसनूं गिरफ्तार करन तो बाद असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेज दिता है। तो दस दिए कि इस तो पहला भी अमृतपाल सिंह दे कई साथियों नूं असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेजा जा चुका है। अमृतपाल सिंह नूं फड़न लई नेपाल बार्डर तक देश भर दे विच ऑपरेशन चलाया गया सी, कई थां ते उहदे पोस्टर भी लाए गए सन। पंजाब पुलिस ने ट्वीट करके अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी दी सी ते लोकां नूं आख्या सी कि किसी भी अफवाहों ते यकीन ना करो, ते ये आख्या सी अमृतपाल सिंह नूं जिले मोगा दे रोडेवाल पिंड दे गुरुद्वारे दे विचों गिरफ्तार किया गया है। अमन शांति बनाने की अपील लोगों नूं पंजाब पुलिस वालों की गई सी, ते आख्या सी किसी तरह दीआं झूठीआं खबरां ते यकीन ना करो, किसी भी खबर नूं सुनन तो पहले या वेखन तो पहले उस ते यकीन कर लिओ। तुहानूं इह भी दस दईए कि अमृतपाल सिंह दे सब तो करीबी साथी पप्पलप्रीत सिंह नूं भी पुलिस वालों कुछ दिन पहला ही गिरफ्तार किया गया सी। इस तो पहला 15 अप्रैल नूं अमृतपाल दे अहम साथी जोगा सिंह नूं भी फतेहगढ़ साहब तो गिरफ्तार कर लिया गया सी। अमृतपाल पुलिस ते सुरक्षा एजेंसियां नूं लगातार चकमा दे रहा सी ते पिछले 36 दिनों तो फरार चल रहा सी। तुहानूं दस दईए कि उन्हें अपने एक समर्थक तूफान सिंह की रिहाई के वास्ते 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला करता सी, ते जिस तो बाद पुलिस नूं उसके साथी नूं छड़ना पिया सी। इहदे विच SP जुगराज सिंह भी जख्मी हुए सन। 18 मार्च को पुलिस ने अमृतपाल सिंह नूं फड़न वास्ते पूरी घेराबंदी कर ली, पर उहदे कुछ साथी तो फड़े गए जिदे विच प्रधानमंत्री बाजी के भी शामिल सी, पर अमृतपाल सिंह भज गया। गिरफ्तारी तो पहले अमृतपाल सिंह ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसे उन्हें आख्या कि यह जरनैल सिंह पिंडरा वाले का जन्म स्थान है, उस थान तो ही मैं अपना काम अगे वधा रहा, तो असी एक अहम मोड़ पर खड़े हाँ, एक महीने तो जो कुछ भी हो रहा है वह सारिया ने वेख्या। जे सिर्फ गिरफ्तारी की गल होंगी तो गिरफ्तारी के होर भी कई तरीके सन, तो असी ये सहयोग भी करते। अमृतपाल ने आख्या कि दुनिया की कचहरी च असी दोषी हो सकते हैं पर सच्चे वाहगुरु की कचहरी च नहीं। एक महीने के बाद फैसला किया कि इसे धरती से लड़ांगे ते रवांगे, जिहड़े झूठे केस ने उन्हां दा सामना भी करांगे। गिरफ्तारी अंत नहीं शुरुआत है। अज इस पवित्र स्थान से संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडराले का जन्म स्थान है, जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो आप कौम का एक कार्ज रंभिया, अज उस स्थान पर इस कौमी कार्ज को चलद एक जीवन के बड़े अहम मोड़ से आप आ खड़े हैं। पिछले 1 महीने तो जो कुछ वापरिया वो तुम सारा कुछ वेख्या, मैं दोहरा नहीं, थोड़े समय से संखेप से आप गल नबेड़ देनी है। 1 महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखा ढाया उस जबर न जरा प्रतख इस करके हो गया, जे कल गिरफ्तारी की गल होंगी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्होंने मैं सहयोग भी करता, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया, जो सिख नौजवानों से जबर ढाया गया, देखो सतगुर सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनिया की कचहरी असी दोषी हो सकते हैं। सो 1 महीने तो बाद असी अज फैसला किया भी इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ांगे, धरती छड़ के भी कितने नहीं जाते। सो इस करके जिहड़े झूठे केस साढ़े परचे पे ने इनका सामना असी अदालत कर लेंगे, तो संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। देखो संगत दी अरदासां तो बिना ना तो एडे घेरिया चो निकल जाना संभव होंदा, संगत दी अरदासां तो बिना ना तो इन्ना लम्मा समा जिहड़ा रूपोश हो जाना संभव होंदा। यह संगत दी अरदासां दे गुरु साहब की कृपा सदका सारा कुछ वापरिया, अज उस स्थान के उत्ते असी आप गिरफ्तारी देने का फैसला किया। ये गिरफ्तारी जिहड़ी है ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करन, ये जिहड़ा झूठ का पलंदा साडे खिलाफ सिरजिया गया है इहनूं भांदा संसार जिहड़ा सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करके इहनूं भन्नणगे, ते सेठी ही संगतां दे जिहड़े असीं रूबरू जिहड़ा सन्मुख हो के संगतां च विचरांगे। ये भी दस्सिया जा रहा है कि
अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों की भीड़ के नाल सरेंडर करना चाहता सी, पर पंजाब पुलिस ने अजिहा नहीं होन दिता। वो रात को शनिवार मोगा के पिंड रोडे पहुँच गया सी, जिथे पंजाब पुलिस ने बड़ी ही सफलता के नाल उसनु अज सवेरे गिरफ्तार कर लिया। इस बारे पंजाब पुलिस के आई जी डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने भी वड्डे खुलासे किए ने ते दस्या किस तरह पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह नु फड़न लई एक पूरा प्लान तैयार किया सी। अमृतपाल सिंह नु अज सवेरे करीब 6:45 ते रोडे पिंड तो गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ते इंटैलीजेंस विंग दे कोले कंक्रीट इनफॉर्मेशन सी ऑपरेशनल इनपुट्स दे बेसिस दे उत्ते कि वो रोडे पिंड दे विच जिहड़ा वा प्रेजेंट आ उन्हों पुलिस ने सारे पासे तो नाकाबंदी करके पिंड नू घेरिया होया सीगा, पर क्योंकि वह गुरुद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरुद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वह सुप्रीम आ, उन्हों मेनटेन करना सारिया का ही साडा फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध दे विच जदों ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उतों नहीं है, उस तो बाद गिरफ्तार किया गया करीब 6:45 से, जिस तरह मैं दस्या NSA के अधीन गिरफ्तार किया गया है। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके उन्हों दिबरूगढ़ वास्ते जिहड़ा रवाना पंजाब पुलिस ने कर दिता है। ये जिहड़ा जॉइंट ऑपरेशन सीगा पंजाब पुलिस का इंटैलीजेंस विंग का, देखो उहदे च बहुत क्लीयर है कि असीं उन्हों अरैसट किया है सारे पासे तो जो घिर गया सीगा, उस तो बाद दे विच गिरफ्तार किया गया है। अंदर की होया की क्या गया उहदे बारे च टिप्पणी करना वाजिब नहीं है, बट जिस तरीके नाल इस पूरे ऑपरेशन नू प्लान किया गया सीगा, जिस तरीके दे कंक्रीट इनपुट सीगे, जिस तरीके दे नाल विलेज नू सराउंड कर लिया गया सीगा, क्योंकि सेंटिटी मेनटेन करना सब तो इंपोर्टेंट सीगा गुरुद्वारा साहब दी, उहदे अंदर पुलिस किसी भी तरीके दे नाल यूनिफॉर्म दे विच एंटर नहीं कर सकती सीगी। सो जदों सारे पासे तो घिर गया, जदों पता लग गया तो दैन जिहड़ी अरैसट आ उह पॉसिबल हो गई। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो, तुहानूं लगातार दिखा रहे हैं अमृतपाल सिंह किस तरह उहनूं फड़िया गया, किस तरह पंजाब पुलिस की इंटैलीजेंस की टीम ते पंजाब पुलिस के होर भी वड्डे अफसर अज सवेरे ही पिंड रोडे पहुँच गए सन, उहनूं गिरफ्तार करके असाम की डिब्रूगढ़ जेल के भेज दिता गया।